हर महीने का अंतिम रविवार सुबह के 11 बजे एक आवाज जो बन गई देश की आवाज। मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। जहां होती है देश के सम्मान की बात, देशवासियों के मन की बात। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर देश के लोगों में बहुत उत्साह है। तीन अक्टूबर 2014 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर पहली बार मन की बात की थी, तब शायद ही किसी को अंदाजा था कि ये जनता से सीधे संवाद का इतना पावरफुल माध्यम बन जाएगा। मन की बात यानी देश की बात। खादी की बिक्री का कीर्तिमान हो या फिर मेक इन इंडिया खिलौनों का रिकॉर्ड एक्सपोर्ट, मन की बात ने देश के सपनों को नई उड़ान दी। एक भारत श्रेष्ठ भारत का ध्वज लहराना हो या देश के अनसंग हीरोज को सम्मान, किसी के लिए ये उम्मीदों की बात है तो कईयों के लिए हौसलों का साथ है। मन की बात को जन जन की बात बनने में ज्यादा समय नहीं लगा। पीएम मोदी की अपील और आह्वान ने नए जन आंदोलनों को जन्म दिया। बात फिर चाहे स्वच्छता की हो या स्वेच्छा से एलपीजी सब्सिडी छोड़ने की, कैशलेस इकोनॉमी बनाने का आह्वान हो या फिर बेटियों की रक्षा और हक की बात, मन की बात ने सबके प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाया। तो ये देश की विजय यात्रा के साथ सेलिब्रेशन और साथ ही मिलकर 100 वर्षों की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने का जरिया भी बना। मेरे देशवासियों, जब तक हम चलने का संकल्प नहीं करते, हम खुद खड़े नहीं होते, तब रास्ते दिखाने वाले भी नहीं मिलेंगे, हमें उंगली पकड़ कर चलाने वाले नहीं मिलेंगे। चलने की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। ये सारा मेरा बातचीत करने का इरादा एक ही है, आओ हम सब मिलकर के अपनी भारत माता की सेवा करें, हम देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। मन की बात 22 भारतीय भाषाओं, 29 बोलियों और अंग्रेजी के अलावा 11 विदेशी भाषाओं में भी प्रसारित होता है। एक राष्ट्रीय सर्वे के मुताबिक देश के करीब 96% लोग मन की बात कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। 100 करोड़ से ज्यादा देशवासियों ने मन की बात कम से कम एक बार सुना है। 65% देशवासी हिंदी में तो 35% लोग क्षेत्रीय भाषाओं या अंग्रेजी में यह कार्यक्रम सुनते हैं। सर्वे के मुताबिक 63% लोग ये मानते हैं कि मन की बात के चलते देश को लेकर उनका दृष्टिकोण सकारात्मक हुआ है। 55% लोगों ने ये माना कि कार्यक्रम के चलते वो पहले से ज्यादा जिम्मेदार और बेहतर नागरिक बने हैं। कम्युनिकेशन की दुनिया में इस कार्यक्रम ने नए मानदंड गढ़े, तो इसके माध्यम से देशवासियों के सुझाव सीधे पीएम मोदी तक पहुंचे। 100वें एपिसोड तक के अनवरत सफर में मन की बात न सिर्फ विकसित होते देश की विकास यात्रा को गति दे रहा है, बल्कि भारतवासियों के संकल्प की सिद्धि का माध्यम भी बन रहा है। आइए मन की बात के 100वें एपिसोड के मौके पर मिलते हैं रविवार 30 अप्रैल सुबह 11 बजे। अधिक से अधिक संख्या में इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनते हैं और बनाते हैं एक अभूतपूर्व कीर्तिमान। और हाँ, इस अवसर को और भी यादगार बनाते हुए आप अपनी फोटो नमो ऐप पर अवश्य डालें।